नमस्कार, इस वक्त हम नगर पंचायत टोली फतेहपुर में हैं और पूरे ज़िले की 13 पंचायतों में सबसे ज़्यादा चर्चित जो चुनाव चल रहा है टोली फतेहपुर में चल रहा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक जो कह सकते हैं सियासी अखाड़े में सियासी सूरमा मौजूद हैं, इसलिए यहाँ का चुनाव दिलचस्प है। छोटा सा गाँव टाइप का ये नगर पंचायत है, लेकिन पिछली बार समाजवादी पार्टी से वीर सिंह यहाँ के चेयरमैन थे, इस बार चुनावी मैदान में भी हैं। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में जो 22 लोगों की फहरिस्त थी उसमें से एक और नया नाम जुड़ा है, राजकुमार गोस्वामी का। पहले हमने आपको राजकुमार गोस्वामी का एक इंटरव्यू भी दिखाया था, अब राजकुमार गोस्वामी जोर शोर से अपने जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। आज राजकुमार गोस्वामी का जनसंपर्क बस स्टैंड के क्षेत्र में था। हम लोग यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले इन्हीं की यह पूरी मंडली दिखाई दी, सबकी सर पर टोपी है, हल्के चुनाव चिन्ह लगे हैं और चल रहा है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कैसा चल रहा चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, हमारे राजकुमार गोस्वामी का बहुत बढ़िया चुनाव प्रचार चल रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई दुराभाव है इसमें, कोई दुराभाव कुछ नहीं है। तो जिस हिसाब से चल रहा है जोर शोर से संपर्क, उस हिसाब से वोट भी करेगी जनता। वोट भी करेगी, ये जनता वोट करेगी, ये नोट की जनता नहीं है, ये सपोर्ट की जनता है। आजकल तो नोट खा के कोई किसी के साथ भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ सपोर्ट की जनता है। यहाँ कोई किसी का नोट नहीं खा रहा, ना कोई किसी का कुछ कर रहा है, यहाँ सपोर्ट की जनता लगी हुई। आपने भी इंटरव्यू लिया होगा, पिछले साल 22 प्रत्याशी थे, आपने इंटरव्यू लिया होगा, जितने 22 प्रत्याशी थे, बस 22 प्रत्याशियों में से 22 प्रत्याशियों ने कहा होगा हम ब्लॉक बनाएंगे, अगर हम जीतते हैं ब्लॉक बनाएंगे। चलो, समाजवादी के हमारे वीर सिंह, माननीय वीर सिंह जी जीत गए, ब्लॉक का कहाँ जगह ही नहीं दे पाए, मौत का कुआ खोद दिया हमारे मोहल्ले में। हाँ, क्या कर दिया, किस मोहल्ले में? नजरगंज टोड़ी फतेहपुर में, क्या हो गया? बेर के मंदिर के पास वहाँ तालाब बनवा दिया है। हाँ, जाके डूबो, तालाब का पानी है जो रह गया, तालाब के पानी की कोई निकास नहीं है, कुछ नहीं किया है। अरे डिग्री कॉलेज के लिए तुम जगह नहीं दे पा रहे, तुम ब्लॉक के लिए जगह नहीं दे पा रहे, मतलब आपने तालाब खोदा, तालाब से क्या होता है? तालाब से कुछ नहीं होता है। नाली इस राज्य में केवल सफाई हुई हो, बाकी नाली का कचरा नाली ही में गया है। अच्छा, हाँ जी, और भी लोग हैं बहुत सारे, इन लोगों से भी जानेंगे। बब्बा, कैसो का काम होगा, 5 साल में कितना विकास होगा? का कहा है, 5 साल में कितना विकास होगा टोड़ी में? पुकार पुकार बस, अबे हाँ सुना नहीं, लेकिन बहुत सारे जनता के लोग भी हैं, लोगों से भी पूछ लें। चाचा क्या लग रहा हो? हाँ सब बढ़िया हो रहा, बोल ही नहीं जानता, समस्या जा है। हाँ, तुम तो टोपी लगाए, बिल्कुल लगाए। हाँ, तो टोड़ी फतेहपुर में विकास नहीं है, विनाश है। हाँ, जात पात पे चुनाव है। हाँ, और जात पात पे कभी विकास नहीं होता ही। हाँ, जात पात पे विकास अभी तक हुआ ही नहीं है भैया, जो अब विकास होगा। अब ऐसा है कि पार्टी में गुटबंदी जरूर कर लो कि हम जा पार्टी कुशवाहा समाज एक कर लें, जा ब्राह्मण समाज एक कर लें, कौनू समाज एक कर लें। हाँ, समझ रहे? तो ऐसे विकास नहीं हो जाए, जब सबका एक थाली में लेके चलें जब विकास हुई है। और टोड़ी फतेहपुर में विकास के लाने तो ऐसा है कि डिग्री कॉलेज है तो ना, जो चाचा ने बाबूलाल तिवारी जी से, शिक्षक MLC भाई, चाचा ने गुजारिश करी उनसे तिवारी जी से कि भैया हमारे तो डिग्री कॉलेज नहीं है तिवारी जी, तो आपकी कृपा हो जाए कि टोड़ी फतेहपुर में डिग्री कॉलेज खुल जावे। तो उनकी ग्राम पंचायत कर रही है, प्रधानी में हाथ ग्राम पंचायत कर रही, तो वहाँ पे उनने भूमि पूजन किया, बाबूलाल तिवारी जी की धर्मपत्नी आई थी, तो वो चाचा की देन है कि आज डिग्री कॉलेज खुल गए भैया। हाँ, नहाता है तो डिग्री कॉलेज के लाने 5 किलोमीटर दूर जाने लटवाए तला पड़े हुए बच्चन खां। अच्छा, एक चीज़ बताओ जी, कछु जाने और है चाचा, एक चीज़ बताओ, टोड़ी फतेहपुर कितना बड़ा है, क्या किलोमीटर के दायरे में फैलो? 4 किलोमीटर के लगभग। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि विकास, आपने तो देखा होगा यहाँ का विकास, क्या विकास है, दिखा रहा हूँ विकास, लेकिन आप और बताओ तो ज़्यादा। उन लोगों से पूछो कि आप क्या विकास करोगे, आप बन जाओगे तो क्या विकास करोगे। गोस्वामी जी तो 2013 में 1.5 करोड़ की लगभग साइट लेके हमारे यहाँ काम करवाए, टोड़ी क्या काम करवा गए जी, बताओ। FX डलवाए, सड़क डलवाई, CC डलवाई, बड़े गंज में बोर करवाया, बलूपुरा में पहले बोर करवा दिया। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हाँ, गोस्वामी जी हमारे दिलों की धड़कन है, टोड़ी फतेहपुर का विकास है। तो हमारे बहादुर सिंह ने कहा है, वो बात यथार्थ सत्य है, बिल्कुल।
हमारा नाम बुद्ध प्रकाश कुशवाहा जी। और सुन रहे के कुशवाहा समाज तो पूरी समेट के एक तरफ हो गई हो जाए, उससे क्या मतलब है इकट्ठे से, इकट्ठे से क्या मतलब सही में हो गई। जो उन्होंने कहा है कि विकास की बात, विकास की बात सही कहा है उन्होंने, विकास की बात नहीं कुशवाहा समाज की बात बताओ। कुशवाहा समाज यहाँ इकट्ठी हो गई तो क्या है, आप नहीं गए बामे? हम नहीं गए। कितने जने और हैं जो नहीं? आपको गिनती बता दे कितना है। कुशवाहा कुशवाहा ही तो है, कहाँ है? अच्छा और भी है, कुशवाहा आप बताओ। और जी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, दमकम से चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा हो आपको चुनाव कैसे अंतिम दौर में बचो? चुनाव चार ही दिन है लगभग वोटिंग के लिए। मैं यहाँ नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर से इस समय आज की डेट में मैं कम से कम 1000 वोट से आगे चल रहा है। पूरी जनमानस एक गली गली में हल्ला है गोस्वामी जी का, गोस्वामी विकास है। जनता को विकास चाहिए, यहाँ पार्टी बंदी नहीं चाहिए, जातवाद नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 40 साल से कोई विकास नहीं हुआ। धूरा उड़ रही जनता चाह रही, जनता ये चाह रही कि हमें आज कोई विकास पुरुष आया है। वोट जातवाद पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ विकास पे जाएगा। अच्छा गोस्वामी जी को भाजपा से टिकट का नहीं मिल पाया? गोस्वामी जी को भाजपा से टिकट इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ की जो पार्टी के नेता हैं और माननीय हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनकी मिली भगत जातवाद का जहर पैसे की दम पे, पैसे का बंदर बांट हो गया है, मेरा टिकट काट दिया गया। क्योंकि मैं गौ सेवक होने के बाद राजू कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था, उसी को टिकट दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि पैसे की दम पे दे दिया। राजू कुशवाहा कोई नेता नहीं है, किसान का बेटा है, कुछ नहीं जानता नेतागिरी क्या होती है, वो क्या जाने विकास क्या होता है। बेटा को टिकट नहीं मिला? नहीं नहीं, वो योग तो हो बेटा, बेटा कुछ योग तो हो, पढ़ा लिखा तो हो। जब आप जानते नहीं हो, अधिकारी के सामने बोलना नहीं जानते हो, मीडिया के सामने बोलना नहीं जानते हो, क्या विकास करोगे? अधिकारी बताता है कि भाई ये बताइए क्या करना है। जो आदमी बैसाखी से चलेगा वो कभी विकास नहीं कर सकता है। राजू कुशवाहा के संग बैसाखी लग गई है और यहाँ पर माननीय सांसद जी, माननीय विधायक, पूरे क्षेत्र के जिले के नेता भेज दिए जा रहे हैं। अभी तक माननीय सांसद जी गड़ापुरा में नहीं गए, खंदिया खुजीपुरा में नहीं गए, वहाँ देखिए विकास। मैंने कहा था आप आए थे एक बार कि सिद्ध बाबा के सामने, मंदिर के सामने मैंने संकल्प लिया था कि सिद्ध बाबा से लेके खुशीपुरा तक सड़क बनाएंगे, बलूपुरा की सीमा बढ़ाएंगे। बलूपुरा के यहाँ पर नागरिक हैं, वोट डालते हैं, लेकिन उनके पास कोई सुविधा नहीं मिलती। मैंने कहा था बलूपुरा की सीमा बढ़ाएंगे, मैं शिक्षा ले आऊँगा, कन्या इंटर कॉलेज ले आऊँगा, मैं विकास कराऊँगा। सौगंध मुझे इस माँ की धरती की, हमारे यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, यहाँ गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, यहाँ विकास कराएंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। अच्छा बसपा प्रत्याशी बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चा? बसपा प्रत्याशी सिर्फ हवा में काम कर रहे हैं, क्योंकि बसपा प्रत्याशी जो हैं वो भूले हुए हैं कि यहाँ वोट बिकाऊ नहीं है, वोट बदल नहीं सकता है। इसके पैसे एक पूर्व मलखान चौधरी भी हुआ करते थे, वो बीएसपी से विधायक, वो नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर के अध्यक्ष थे, आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। वोट आपको मिल सकता है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ट्रांसफर जब होता है, जब आपका, किसको समर्थन दे दिया? मलखान चौधरी ने, जो बसपा के यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष थे, टाउन एरिया के चेयरमैन थे, उन्हें वीर सिंह यादव को समर्थन दे दिया है, वो समाजवादी पार्टी में मिल गए हैं, समाजवादी पार्टी में। जी हाँ, तो वोट ट्रांसफर नहीं होता है, वोट एकता से मिलता है, चेहरे पर वोट मिलता है। लोगों का इतिहास भूगोल देखा जाता है, गोस्वामी जी का कोई इतिहास भूगोल खराब नहीं है, थाने में मुकदमा नहीं है गोस्वामी जी के खिलाफ। गोस्वामी जी गौ सेवक है, सेवक विकास कर सकता है और नेता विकास नहीं करता है। मैं सौगंध खा रहा हूँ। क्या कह रहे चाचा आपका? तो बाहर हैं, बाहर के और है कौन? कुशवाहा जी भी किधर हैं? जी हैं कुशवाहा जी, और नहीं है कौन? कुशवाहा जी, कुशवाहा जी का सुनना है जा। कुशवाहा समाज, कुशवाहा समाज देखो, जो संगठन था पहले वो हम लोगों का एक जातवाद पे काम हो गया था, अब की बार कोई संगठन वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपने खुले बंधन में, खुले छुट्टा, खुले मन से वोट करेंगे कुशवाहा समाज, खुले मन से कुशवाहा समाज वोट करेगी। जातवाद की जातवाद का कोई इसमें हिसाब किताब नहीं है। और कोई कुछ कहेगा क्या? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेलो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास के लिए केवल राजकुमार गोस्वामी हैं, उनके अलावा कोई विकास नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें पता नहीं कि चेयरमैन क्या होता है, वो डरते हैं एसपी आ जाए, एसके आ जाए तो आगे पीछे उनके घूमते हैं, लेकिन चेयरमैन के आगे पीछे घूमते हैं सारे लोग, उन्हें पावर पता नहीं है चेयरमैन क्या होता है। ये हमारे गोस्वामी जी ने कहा है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, यहाँ सड़कें हैं, सड़कों का निर्माण करवाएंगे, वो
अच्छी यानी कि एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है यहाँ पर, एम्बुलेंस की सुविधा के लिए भी वो काम करेंगे, और जो कुएँ वगैरह नल वगैरह हैं बोर उनको करवाएंगे, और जो खेतों में जो ट्यूबवेल नहीं है लाइट की सुविधा से किसानों को तकलीफ हो रही है, हमारे गोस्वामी ने कहा है कि हम एक एक ट्यूबवेल लगवाएंगे सबको वहाँ पर, और इसके लिए विकास हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर एंड टाइम पे बोट की एक रात में मुर्गा मछलियाँ में तो ना बिक जाए बोट? नहीं, हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग दारू पीने वाले नहीं है ना गुटखा खाने वाले हैं। जो नहीं और बोटर तो ना बिक जाए पैसन में, मुर्गा में, दारू में, मछलियाँ में? कोई नहीं बिकेगा सर, कोई नहीं बिकेगा। हम लोग पूरी समाज के साथ गोस्वामी जी के साथ खड़े हैं और पूरा संघर्ष करेंगे। अच्छा, गोस्वामी संघर्ष करो। अच्छा पिछले कार्यकाल के सोरो, पिछले कार्यकाल पे है कौनों के पास काम के लिए? तो आप 5 साल में देखिए गांव से बुरी सड़क है, हम धूल उड़ रही है, तमाम मिठाई इनकी दुकान है, फल फ्रूट है, यहाँ क्या है, कोई विकास हुआ? जहाँ जाओ वहाँ नाली लाइट सड़क सब जहाँ के तहाँ खोदे पड़े। कितना काम हुआ भैया? 5 साल काम नहीं हुआ। बोलने वाले कम लोग हैं यहाँ, भैया यहाँ क्या है, कुछ लोग ही बोलते हैं, कुछ गणमान ऐसे लोग हैं वो ही बोल पाते हैं, बकाया गुंडे इतनी है उनकी कि वे इतनी गुंडे दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं, बोल रहा है ऐसे दिखा देंगे आंखें, तो आदमी बिल्कुल डर जाता है। लेकिन जो बोलने वाले हैं पढ़े लिखे उनको आगे आना चाहिए, उनके मुंह पे एक तमाचा मारना चाहिए अपनी बात के माध्यम से कि हम बोलने वाले किसी से डरते नहीं है, किसी के बाप की नहीं खाते, अपनी मेहनत की खाते हैं रोटी। इसलिए मैं सब युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी चैनल आए, कोई भी डिबेट करे, खुल के बोलो, सबकी बोलो, हमारी भी बोलो गलतियाँ, उनकी भी बोलो, उनकी भी बोलो, सबकी बोलो, जो पिछले नेता हुए हैं, जिनके इतिहास भूगोल, जिनके बाप दादाओं ने घर में घुस घुस के लोगों से पैसे छिनाए हैं, 2% की ब्याज की जगह 25-25% का ब्याज वसूला है, उनके बारे में बोलो, डरते क्यों हो? बस मेरा यही एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हाँ, इसीलिए जनता नहीं बोलती है, डरती है कि अभी बोल जाएंगे फोटो आ जाएगी, देखेंगे वो रात को आ जाएंगे कारे, क्या क्या बोल रहा था, बस यही देख लो क्या कह रहे भैया। जैसे हम लोग हैं क्यों, कोई आता है दबाता है हम लोगों को, किसी का कर्ज है साले हमारे 10-25 हज़ार चाहिए, ऐसे ऐसे यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर गरीब आदमी, गरीब आदमी कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है, गरीब आदमी दबाते हैं, मारते हैं, साले पुलिस आएगी कुछ भी करेगी बोलेगी, इसलिए हमारे गोस्वामी जी को चुना है, गोस्वामी जी हमारा विकास करेंगे। हम लोग हैं घूमते हैं सारे दिन ऐसे, तो हम लोगों को 200-200 रुपये की मजूरी करवाते हैं ऐसे, तो 100-200 रुपये मजदूरी में पेट पलता है? नहीं पलता है। इसीलिए हमारे गोस्वामी जी अगर चेयरमैन बनते हैं, भगवान ने सोचा है, तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, हम लोग ऐसे नहीं घूमेंगे अच्छी, और क्यों हम पर दबाव नहीं डालेगा।